नमस्कार दर्शकों, रुतम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 5 नवंबर 2024, दिन है मंगलवार। विक्रम संवत है 2081, शक संवत है 1946, संवत्सर है कालयुग, सूर्यदेव दक्षिणायन, ऋतु है हेमंत, मास है कार्तिक, पक्ष है शुक्ल और तिथि है चतुर्थी, जो मध्य रात्रि के बाद 12:16 AM तक रहेगी। और राहु काल आज का 2:48 PM से लेकर के 4:10 PM तक, मतलब 2:48 PM से लेकर के 4:10 PM तक। तो ये रहा आज के दिन का हाल, आइए देखें सभी राशियों का क्या हाल है। तो आइए दर्शकों, मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वाले का जो हाल दिख रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपको कई तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे और कई तरह के डिसीजन बहुत गहराई से सोच के लेने की आवश्यकता दिख रही है। अगर आप सही निर्णय नहीं लेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, और सही निर्णय लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से बहुत भारी सफलता भी आपको प्राप्त हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से प्लानिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए, प्रॉस एंड कॉन्स देखने चाहिए, मतलब क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या लॉसेस हो सकते हैं, ये भी सोचने की जरूरत है। उसके बाद अपने कार्य को करें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, बहुत आराम मिल पाएगा, बहुत सुख मिल पाएगा, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। आज के दिन आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से कंजूसी ना करें, मतलब मेहनत तो करना ही है ऐसा मान के चले, आराम मिलना नहीं है ऐसा मान के चले, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप सही तरीके से मेहनत कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा आपके जीवन में, ऐसा होने का दिखता है। कोशिश करें कि आज के दिन लाल रंग, पीला रंग, सफेद रंग अवश्य धारण करें, इनसे आपको काफी अच्छे तरीके से लाभ मिलेगा और सही निर्णय लेने में काफी अच्छी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप, आपके साथियों के साथ आपका सहयोग बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बातें, कुछ डिस्कशन उनके साथ करेंगे, आपके आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली मीटिंग होगी और आप बहुत अच्छे निर्णय लेकर के आगे बढ़ पाएंगे, इस तरीके का दिख रहा है। कोशिश करें कि अपनी बुद्धि का पूर्ण रूप से प्रयोग करें, क्योंकि बौद्धिक क्षमता आपकी काफी अच्छी दिख रही है, उसका सदुपयोग कर लीजिए। और साथ साथ यह भी दिख रहा है कि आपको कई तरह के निर्णय लेने में काफी मदद मिलने वाली है। अभी तक कई बार दिक्कतें आ रही थी कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि मिलकर बहुत अच्छा निर्णय लेने वाले हैं और कुछ बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। आपके हालात काफी बेहतर होने वाले हैं और काफी अच्छे तरीके से अपने बेहतर हालात के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आपके पार्टनर का, आपके लाइफ पार्टनर का तो बहुत ही प्यारा सहयोग है, इसलिए आप किसी तरह से, किसी भी हालात से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस मिल करके टीम वर्क करने की आवश्यकता है। और आपका फेम भी बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएगा, ये भी दिख रहा है, इसलिए आपके लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन है। बस थोड़ी सी सावधानी इस बात की रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपको आज के दिन रंग कौन सा प्रयोग में लेना है। रंग है सफेद और साथ में काला भी ले सकते हैं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट भी यूज कर सकते हैं, और उसमें कलर अगर डालना चाहते हैं तो आप हरा रंग प्रयोग में लेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रीन कलर आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। आइए दर्शकों, देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जब जो प्रातःकाल तो आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, मतलब अच्छी तरीके से आपको नींद भी आएगी, सोकर के ठीक से उठेंगे, लेकिन बाद में कुछ मन में निराशा चलने लगेगी। ऐसा भी संभव है कि आपके कुछ पेमेंट्स नहीं मिल पाएंगे या ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मन में निराशा होगी, क्योंकि थोड़े से पेमेंट में इश्यूज आने के बन रहा है, इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक चलें। यदि आपको पेमेंट्स लेनी है तो कोशिश करें कि 11 बजे के पहले पहले पेमेंट्स ले लें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, उसके बाद पेमेंट मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे, तो बोल करके अपनी जबान खराब ना करें कि पता चला आपने कह दिया और नहीं मिली, तो उससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसलिए सामने वाले व्यक्ति को धड़का खुल जाता है कि नहीं कुछ नहीं बोल पाएंगे आप, तो इसलिए आप जब समय से ही बोलें और आपको मिल जाए तो उसे अच्छा रहता है, आपको झुकना नहीं पड़ता है या आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, तो इसलिए इस तरह से 11 बजे के पहले पहले आप पेमेंट लेने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ये क्या है कि आपके मन में जो निराशा आ रही है, विचार आपके नेगेटिव आ रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है, समय अच्छा होने वाला है, बदलने वाला है और काफी अच्छा परिवर्तन आपके जीवन में होने ही वाला है, इसलिए इन सबको संभल करके चलेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। और साथ साथ ये है कि बड़ों का सहयोग अवश्य लीजिए, अपने पार्टनर पे, लाइफ पार्टनर पे इतना डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश करिए, बड़ों का सहयोग लीजिए और साथ साथ अपनी बुद्धि पर भरोसा करके चलेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में आपको काफी अच्छी मदद मिलेगी। साथ साथ ये भी है कि अगर आप रंगों के मामले में बात करेंगे तो रंगों के लिए आपको हरा रंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हरा रंग आपको बहुत सहयोग करेगा,
जिससे आपके अंदर एक अच्छी इंट्यूशन की प्राप्ति होगी, और इंट्यूशन आपको वैसे भी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करता है, और इंट्यूशन इसमें अगर आपको मदद करता है इसके लिए हर रंग का प्रयोग मिले, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि हालात में कैसे बाहर निकला जाए, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बस परमात्मा पर भरोसा रखिए, क्योंकि परमात्मा की कृपा प्राप्त हो रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंट्यूशन आपको, तो परमात्मा कैसे बात करेंगे आपसे, आके तो बात नहीं करेंगे, या आपको बुला के बात करेंगे तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि अब ये जो इंट्यूशन आपके मन में जो विचार मिलेगा वो परमात्मा का विचार आएगा, और आप देखेंगे कि ऐसी बातें बिल्कुल सही निकल रही है, जो मन में विचार आ रहे हैं सही निकल रहे हैं। तो परमात्मा पर ध्यान दे करके प्रार्थना करके आप विचार करें तो आपको अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छे आइडियाज आएंगे, और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता के बारे में विचार में आएंगे, तो इससे आपको काफी सहयोग मिल जाएगा। तो इस तरह से चलेंगे तो आप दिन का सदुपयोग कर पाएंगे और निराशा से बच करके लाभ ले पाएंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप अपनी बौद्धिक क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग करेंगे। आपके मन में बहुत अच्छे विचार आएंगे, बहुत शांत चित्त से, बहुत सच्चाई से, बहुत पवित्र मन से आप कोई भी निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। मतलब आप एक तरह से कहा जाए कि अपनी बुद्धि का पूर्ण रूप से बेस्ट इस्तेमाल करना, बहुत प्रयोग करना आप चाहेंगे और कर भी पाएंगे। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाने की क्षमता भी आपको प्राप्त हो रही है, और आप करेंगे और लाभ भी मिलेगा, ऐसा भी होने का बनता है। तो इसलिए किसी तरह से फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको लाभ भी मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, बड़ों का भी सहयोग मिलने के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो इस तरह से काफी अच्छे तरीके से आपका समय बीत सकता है, दिन बीत सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप समय का सदुपयोग कर लीजिएगा, इस समय को व्यर्थ गवाइएगा तो फिर आप ये बार बार हमेशा ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। तो जो समय बन रहा है पिकुलर कॉम्बिनेशन जो आपको लाभ दे सकता है, इसका फायदा जरूर उठाएगा। मतलब अपने काम पे बहुत ध्यान दीजिएगा और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, इस बारे पे भी ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पारिवारिक जीवन अच्छा ही रहेगा, किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी अड़चन होने का नहीं बन रहा है। तो इसीलिए निश्चिंत होकर के आप समय का सदुपयोग करें और लाभ उठाएं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपके लिए सफेद, लाल और पीला, ये तीनों रंग बहुत ही ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, जिससे आप जो कुछ करना चाहते हैं आसानी से कर पाएंगे, ऐसा संयोग बन जाएगा। आइए दर्शकों, अब देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें आपका कार्य, यदि आपने पार्टनर पे, जीवन साथी पे थोड़ा डिपेंड होकर चलेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने कार्य को समय नहीं दे पाएंगे, एक तरह से आप अवेलेबल ही नहीं रह पाएंगे बहुत बार। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के करें, या फिर अपने पार्टनर साझेदारों जिनके साथ आप मिलकर करते हैं, आपके सहयोगी, उनके साथ मिलकर के अपने कार्य को करने की कोशिश करें। मतलब वो आपके बदले में काम कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि गॉड इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि उसको अवेल करना ही चाहिए। मतलब ऐसा फोर्स नहीं है कि जबरदस्ती करें, नहीं करना चाहे मत करिए, लेकिन जब गॉड मौका दे रहे हैं, इतने अच्छे सिचुएशन बन रखा है कि आप काम करेंगे और हो जाएगा और लाभ भी मिल जाएगा, तो कौन छोड़ना चाहेगा और आप भी क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए आप सहयोग लीजिए, आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो उनके द्वारा करवा करके अपने कार्य को कंप्लीट करिए, जिससे आपको अच्छे पेमेंट्स मिल जाए, अच्छे धन की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि धन प्राप्ति का भी योग बहुत अच्छा दिख रहा है। तो सारे हालात पॉजिटिव दिख रहे हैं, बस 4-5 दिन के बाद आपके हालात भी बदल जाएंगे और आप भी अपने कार्य में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो पाएंगे, जो भी भाग दौड़ का चक्कर था वो समाप्त हो जाएगा और आप स्थिर होकर के अपने कार्य को कर पाएंगे। तो इसलिए ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, कुछ समय के लिए थोड़ा सा सब्र से काम ले तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और कोशिश करें कि इस समय पर आप हरा रंग और पीला रंग प्रयोग में अवश्य लें, इन दोनों रंग से आपको बहुत ही मदद मिलेगी, और चाहे तो लाल भी ऐड कर सकते हैं, लाल का भी, और महिलाएं चाहे तो गुलाबी रंग उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए जो समय दिख रहा है वो समय ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपको धन की प्राप्ति तो हो जाएगी, हालांकि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे अपने काम में, लेकिन फिर भी धन की प्राप्ति, आप पिछले जो काम किए हुए पहले का उनका तो धन प्राप्त होना ही है ना, तो वो धन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो जाए तो आप कोशिश कर लीजिए, आप धन की प्राप्ति होने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि धन की प्राप्ति का संयोग बन रहा है, आप उसमें एफर्ट कर लिए, मतलब एक तरह से आप पेमेंट के लिए तगादा कर लिए, बहुत कूलली अगर बात कर लेते हैं तो हो सकता है व्यक्ति भूल गया हो और पेमेंट नहीं कर पाए, उसका कल कर देते हैं, परसों कर देते हैं, ऐसा चल रहा है और आपने जैसे भी अरे ठीक आपको पेमेंट करते हैं ऐसे करके बात हो जाएगी, तो क्या बुराई है। तो थोड़ा सा बात करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। अपने परिवार के साथ समय बिताने का, दूर स्थान जाने का, घूमने का भी समय दिख रहा है, तो इसलिए अगर आप ऐसी बिजी हैं तो भी थोड़ा ध्यान दे करके अपने पेमेंट्स निकलवाते रहें और काम पूरी तरह से गड़बड़ न हो जाए, इसलिए अपने काम का मेंटेनेंस के लिए भी आप सहयोग लेते रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके मित्रों का सहयोग, आपके पार्टनर का सहयोग, अपने साझेदारों का सहयोग भी मिलने के चांसेस बनते हैं, तो उनके सहयोग से, उनके सपोर्ट से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्य को चलने देने में
सहयोग कर पाएंगे, चलने देने देंगे। अगर आप उनका सहयोग नहीं लेते हैं और आप चाहते हैं कि आप ही करेंगे तो फिर आपका काम खराब हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है और पूरी तरह से कलाप्स कर जाएगा। फिर दोबारा आकर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप भावनात्मक प्रवृत्ति के हैं, आपको भावुक है और भावनाओं में बह करके कई बार अपने काम से डिफोकस हो जाते हैं, मतलब फोकस नहीं हो पाता है। इसलिए आपको संभल कर चलना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि आज के दिन सफेद रंग और पीला रंग अवश्य धारण करें। इन रंगों से आपको काफी मदद मिलेगी और सही निर्णय लेने में, सही समय का सदुपयोग करने में काफी अच्छे तरीके से मदद मिल जाएगी। आइए दर्शकों, देखते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके काम के हालात काफी अच्छे दिख रहे हैं और आप अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी प्लानिंग के साथ काम करने की कोशिश करेंगे और कर भी पाएंगे ऐसा भी दिख रहा है। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा संभालते हुए मेंटेन करें कि उसमें कोई किसी तरह के डिस्प्यूट में, किसी लड़ाई में, किसी वाद विवाद में या किसी दोषारोपण अगर आपस में हो रहा है तो आप उसमें ना पड़े और शांत रहने की कोशिश करें और उनके बारे में अच्छा ही विचार रखते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से ऐसे हालात बन रहे हैं जब उनके मन में बहुत अच्छे विचार नहीं आ पा रहे हैं, तो इसको हो जाने दीजिए और अपने आप ही जैसे ग्रहों का परिवर्तन आएगा अपने आप उनके मन में परिवर्तन आ जाएगा और आप देखेंगे सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए उसको ठीक करने में एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बस ये है कि बुरा ना हो इससे आप बचाते रहें, अपने अंदर भी ना हो और रिश्तों में भी खराबी ना हो, इसके लिए आपको संभल के चलना पड़ेगा। साथ साथ अपने कार्य पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देकर के चलेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। किसी तरह की कोई तकलीफ, कोई परेशानी होने का बनता नहीं है। साथ साथ ये भी दिखता है कि आपको आपके दैविक कृपा होने का बहुत अच्छा बनता है, मतलब परमात्मा की कृपा, देवी देवताओं की कृपा आप पे बहुत अच्छी दिख रही है। तो यदि आप प्रार्थना करेंगे हृदय से तो निश्चित तौर पर सुनी जाएगी और आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से संभल के चलना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मतलब संभल के क्या चलना, मतलब आपको अपने आपको और ऊर्जावान बनाते हुए और अच्छे तरीके से बेनिफिट्स लेते हुए चलना काफी अच्छा रहेगा। और साथ साथ ये भी है कि आप अगर आज के दिन हरा रंग और सफेद रंग प्रयोग में लेते हैं और साथ में काला रंग भी प्रयोग में लेते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये सब आपको उत्साह के साथ आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपको सीनियर्स का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, दैविक कृपा भी बहुत अच्छी मिलने वाली है और आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। हालांकि आप परेशान हैं और अगर आप प्रातःकाल महामंत्र का जाप कर लेते हैं, श्वेत चंदन का टीका लगा लेते हैं और चंदन का इत्र या चंदन सुगंध प्रयोग में लाते हैं तो आप काफी हद तक बेहतर हो जाते हैं और उसके बाद जो ये सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट सिस्टम का फायदा उठा पाएंगे। नहीं तो पता चला सपोर्ट मिला और आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो पता चला कि रिश्ते ही खराब हो जाएंगे सीनियर के साथ और बॉस के साथ। तो इसलिए बेटर ये है कि आप अपने आपको पहले ठीक कर लीजिए, उसके बाद इन अपॉर्चुनिटी का लाभ लेने के लिए निकल पड़िए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे और अपॉर्चुनिटी का लाभ लेंगे और परफॉर्म अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ प्राप्त होने के चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि जब आप परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तरक्की होती है या बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिल पाते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को संभालें तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि आज के दिन किसी भी तरह से क्रोध ना हो, क्योंकि क्रोध होने के चांसेस भी बनते हैं। और अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा तालमेल बिठा के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या ऊर्जा आपके जीवन साथी से ही प्राप्त होने के चांसेस बन रहे हैं, मतलब कई ऊर्जा है। तो ऐसे में क्या होता है, जो अपनी पत्नी के साथ या जो पत्नी अपने पति के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा। तो अब क्या है कि अगर आपने अपने पत्नी के साथ सदव्यवहार किया और उन्होंने दिल से आपको ब्लेस किया या आपके बारे में अच्छा विचार रखा तो एक ऊर्जा निकलेगी जो आपको प्राप्त हो जाएगी। और किसी ने अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार किया तो पति की तरफ से ब्लेसिंग्स के तौर पर एक ऊर्जा आएगी जो आपको प्राप्त होगी, जो आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य होगी और इस समय पर आपकी तरक्की करने में वही ऊर्जा बड़ी फायदेमंद होगी। तो इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अपने जीवन साथी को खुश करिए, प्रसन्न करिए, मतलब किसी तरह की नाराजगी है तो उनको मना लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, जिस ऊर्जा से आप बहुत अच्छे तरीके से तरक्की कर जाएंगे। इस तरीके का शुभ योग बन रहा है, मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी, साथ साथ आपका पारिवारिक जीवन में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरह से करके काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा ऐसा होने का दिखता है। तो इसलिए आप इस तरह का ये बातें ध्यान रखते हुए अपने जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर कर लीजिए और ऐसा कर लीजिए कि वो प्रसन्न हो जाए और आपके बारे में अच्छा विचार रखने लगे। साथ साथ अपने कार्य को भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि पीला रंग, लाल रंग और सफेद रंग प्रयोग में अवश्य लाएं। इन रंगों से आपके अंदर काफी ऊर्जा आएगी और जो मैंने कहा है जिससे जो फायदा उठाने का, ऐसे से फायदा भी उठा पाएंगे और आप एक तरह से अच्छे रिश्ते बनाते हुए अपने बॉस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ और अपने कार्य क्षेत्र में अपने साथ साथियों के साथ आगे बढ़ पाएंगे और सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। आइए दर्शकों, देखते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
धनुराशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे और काफी ज्यादा उलझे रहेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जिसकी आवश्यकता नहीं थी, मतलब बेवजह करना पड़ रहा है क्योंकि आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा है या सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ऐसा होने का बनता है। लेकिन आपको जीवन साथी का सहयोग मिलने के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं, साथ साथ दैवी कृपा भी होने के चांसेस बन रहे हैं। और बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपके अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए और इम्पेशेंट नहीं होना आपको, मतलब बहुत हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हो रहा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी इतनी एग्रेसिव से दिख रही है, बहुत पावरफुल दिख रही है कि आप कोई भी काम हड़बड़ी में करेंगे और हड़बड़ी करते ही गड़बड़ भी हो जाएगा, ऐसा होने का दिख रहा है। तो इसलिए बहुत पेशेंस से काम लेना है, अपनी वाणी को भी बहुत अच्छे तरीके से विराम देते हुए शांतिपूर्वक हौले से आराम से बात करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर ये परिवर्तन आपने किया तो ही इस समय पर आप ठीक तरीके से चल पाएंगे, नहीं तो पता चला कि हालात इतने पॉजिटिव नहीं है, इसलिए आप जैसे ही गड़बड़ करेंगे चाहे वाणी से चाहे आप कुछ हड़बड़ में कुछ गड़बड़ किए तो पता चला दुर्घटना हो जाएगी या नुकसान हो जाएगा, संबंध खराब हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो इसलिए इस समय पर सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हुए चलना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से चलेंगे तो आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा और अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे इस तरीके का योग बनता है। कोशिश करें कि आज अपने आप को हरा रंग और सफेद रंग दो रंगों का प्रयोग करके अपने आप को और भी एनर्जी वाले, मतलब एनर्जाइज करें, पावरफुल करें, तो इसलिए आप समय का सदुपयोग और अच्छे से कर पाएं, ऐसा अच्छा रहेगा। आइए दर्शकों अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके प्रोफेशन में आपको सहयोग मिलेगा और अच्छे तरीके से आप अपने कार्य को कर पाएंगे, इस तरीके का तो बन रहा है। लेकिन कहीं पर आपके और आपके जीवन साथी के बीच में ईगो इश्यू हो सकता है, ईगो क्लैश हो सकता है, जो वजह कुछ भी नहीं होगी लेकिन बस बात अड़ जाएगी, इसकी वजह से आपके संबंध में कुछ खटास आ जाएगी और बिगड़ने के चांसेस बन जाते हैं, ऐसा होने के चांसेस बन रहे हैं। साथ साथ ये भी दिखता है कि आप अगर समझदारी से काम लेते हैं, इसी ऊर्जा को बिना लड़ाई के बिना ईगो इश्यू के आप चलने की कोशिश करेंगे तो यही ऊर्जा आपको बिना मेहनत के धन की प्राप्ति भी करा देगी, मतलब ऑटो मोड में आ जाएगा काम। ऑटो मोड में क्या होता है, मतलब जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और ऑफिस में सारा सिस्टम आपने बना लिया बहुत अच्छे तरीके से, आप ये होना चाहिए, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, ऐसे करोगे, वैसे करो, और पता चला सब अपने आप सिस्टम से काम कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठ के देख भी रहे हैं और अपने आप काम होता जा रहा है और आपको कमाई होती जा रही है। तो इस तरह से जैसे एग्जाम्पल की मुकेश अंबानी है, टाटा है, ये लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनकी तो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो ढेर सारी कंपनीज है, सब कंपनी में खुद जाके तो नहीं बैठते हैं, बस वो सेटअप कर रखा है, वो अपने आप काम चलता जा रहा है और इनकम प्राप्त होती जा रही है और इनकम उनको प्राप्त हो रही है, तो वो खुद इतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी उनको धन की प्राप्ति हो रही है। हाँ, बुद्धि विवेक से काम ले रहे हैं जो आपको लेना भी है, तो इस तरह से आप अगर चलेंगे तो आप भी ऐसी कृपा से आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा संयोग दिख रहा है। तो इसलिए लेकिन यह है कि आपके जीवन साथी के साथ उलझ गया तो फिर वो गई एनर्जी समाप्त हो जाएगी, आपको कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से अगर चलेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि आज के दिन सफेद रंग, लाल रंग और पीला रंग प्रयोग में अवश्य लाएं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और आदित्य हृदय सूत्रम का पाठ करेंगे तो आपस में कोई लड़ाई, ईगो इशू, डिस्प्यूट जीवन साथी के साथ नहीं होगा। आइए दर्शकों अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप कुछ और लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो आपके व्यवसाय में कार्य करने के लिए तैयार होंगे, या तो आप कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, जॉब दे सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, या ये भी हो सकता है कि आप कुछ अपने जॉब कर रहे हैं तो कुछ आपको असिस्टेंट के तौर पे कोई और भी सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे आपके लिए कोई एक बंदा अपॉइंट किया जाएगा जो पता चला कि आपके कार्य को सपोर्ट करेगा तो आपको अकेले इतना काम ना करना पड़े, ऐसा हो जाएगा। इस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल समय ही दिख रहा है और आप काम कर पाएंगे ऐसी क्षमता आपको प्राप्त है, आप अच्छे सोच पाएंगे ऐसी क्षमता आपको प्राप्त है, साथ साथ परफॉर्म करते हुए आप लाभ भी ले पाएंगे, ये भी अच्छी बात दिख रही है। तो मतलब किसी भी तरह से कोई गड़बड़ वाली बात नहीं दिख रही है। हाँ, एक चीज गड़बड़ है, वो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन साथी का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर जीवन साथी का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाएंगे तो कई तरह की अड़चने, कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं और आपको दिक्कत आ सकती है, मतलब आप इससे इतने उलझ जाएंगे, इतनी एनर्जी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी कि आप काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कोशिश करें कि आज के दिन पीला रंग, लाल रंग और काला रंग प्रयोग मिले जिससे आपको आपकी ऊर्जा अच्छी सी बनी रहे। आइए दर्शकों अब देखते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए अब समय थोड़ा बदल गया है, अब तक आपने बहुत दुखी रहे और बहुत तरह के बहुत चिंता करते रहे, लेकिन अब आपके मन में एक पॉजिटिविटी आ गई है, शायद आपने निर्णय अच्छा ले लिया और अच्छा विचार आपके मन में डाल दिए हैं जिस जो आपका अब फलीभूत हो रहा है। तो इसलिए क्या है कि
कई लोग चिंता कर करके अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं तो नेगेटिव ही चलता रहता है, लेकिन आप पॉजिटिव कर लिए हैं अपने माइंड को और प्रिपेयर हो गए हैं कि हाँ मुझे अच्छे से कार्य करना है, अच्छे तरीके से चलना है, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और साथ साथ ये भी दिखता है कि आपके अंदर बहुत खुशी और बहुत प्रसन्नता वाली बात भी दिख रही है, इसलिए आप जब भी किसी से बात करेंगे तो अपनी खुशी और प्रसन्नता के साथ बात करने की कोशिश करिए। संकोच मत करिए कि नहीं मुझे बहुत सीरियस होकर बात करना है नहीं तो लोग क्या समझेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, आप पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हर व्यक्ति हंसता हुआ और बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव और नाइसनेस के साथ पसंद करता है सामने वाले व्यक्ति को, तो इसलिए आप अपने आप को नाइसली प्रेजेंट करें, बहुत गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। उससे क्या होगा कि आपके अच्छे रिश्ते बनेंगे और अच्छे तरीके से आपके प्रोफेशन में जो भी डील करनी है, जो भी कार्य करना है, उन सब में बहुत सहयोग मिल जाएगा। और सभी, अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो आपको कंपनी के सारे लोग बहुत पसंद करेंगे कि सर बहुत अच्छे मूड में है और खुश रहेंगे, और आपसे कुछ कहना है तो कह भी पाएंगे, कुछ समस्या भी बता पाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो वो भी दे पाएंगे, हेजिटेट नहीं करेंगे, तो आपके बीच में जो एक बाउंड्री होती है वो नहीं रहेगी और अच्छा सा कनेक्शन बनेगा जिसकी वजह से आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे और भी आसानी से। कोशिश करें कि सफ़ेद रंग, पीला रंग और लाल रंग, इन रंगों को प्रयोग में लें, इससे आपकी ऊर्जा काफ़ी अच्छी बनी रहेगी और माइंड इतना पावरफुली काम करेगा कि सफलता प्राप्त करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था दर्शकों आज के दिन का हाल, उम्मीद करते हैं कि आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाएगा। कल फिर मिलते हैं कल का हाल बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।